अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस यू द बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास 7 एमएल 2। इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस वी विल लर्न मच अबाउट साइंस, सो लेट्स डाइव डीप इन द वर्ल्ड्स ऑफ साइंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सस्टेनेंस ऑफ इंडिविजुअल, इन विच वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। All the living organisms perform some basic function to stay alive. These are known as function of or life processes. Some of these basic life processes are nutrition, respiration, growth, response to stimulus and excretion and reproduction. तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ अमल की ज़रूरत होती है, उन अमल को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, यानी ऐसा काम जिसके बिना हम जिंदा ना रह सकें, जैसे कि हम सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी सांस रोकते हैं तो क्या होता है, हमें ऑटोमेटिकली यानी कुदरती तौर पर ख़ुद ब खुद से सांस बहाल करनी पड़ती है हमें, क्योंकि इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हम खाना खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी हम दो दिन तक भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लाइफ प्रोसेसेस की बिना पर हमारी ज़िंदगी चलती है। फूड इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स एनर्जी एज वेल एज मटीरियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग इज राइट काइंड ऑफ ब्लड फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जानदार अपनी तवानाई पूरी करता है और अपने आप को ताकत देता है बढ़ने के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। खाना खाने का अमल जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइत। ऑल लाइफ प्रोसेसेस नीड एनर्जी। एनर्जी इज़ लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन फूड। टू अनलॉक दिस एंड रिलीज दिस एनर्जी The food must first be converted into smaller and soluble molecules. This happens during the process of digestion. Next, energy must be set free from these molecules. This happens when the molecules react chemically with the oxygen in the body during respiration. जिंदगी के तमाम अमल में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो एनर्जी होती है वो हमारे खाने में मौजूद होती है, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल फॉर्म में एनर्जी मौजूद होती है। ये केमिकल फॉर्म की एनर्जी हमें तभी मिल सकती है जब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ें। जब हम खाना खाते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है हमारा खाना, और उसको डाइजेशन का अमल कहते हैं। डाइजेशन के अमल के दौरान हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना एब्जॉर्ब होता है तो हमें एनर्जी हासिल होती है। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इन दो चीज़ों पर है, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना और गैसेस से एक्सचेंज करना, और दूसरा न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइत जो हम खाना खाते हैं, जो हज़म होता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, एंड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर एंड कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद पेयर करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी पर इन्हिसार नहीं करते। जैसा कि हमारे पास मिसाल मिलती है प्लांट्स की, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी सूरज की रोशनी को वो गेट करते हैं और अपने पास फूड मॉलिक्यूल्स में स्टोर करते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स में जब वो स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, तो उनके पास फॉर्मेशन होती है फूड मॉलिक्यूल की, जिसको वो स्टोर करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन उससे हासिल करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, यानी दूसरों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल मिलती है एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग्स की। तमाम तरह एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं, यानी किसी दूसरे जानवर को ईट करके अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी हम प्लांट्स से वेजिटेबल्स गेट करते हैं, फ्रूट्स गेट करते हैं, और जो हम एनिमल्स से मीट गेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन हासिल होती है। जब हम वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं तो हमारे पास जो दो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनमें से वो एक न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, दूसरा रेस्पिरेशन है जो कि हम सांस साथ साथ लेते रहते हैं। ग्रीन लीव्स यंग स्टेम ऑफ प्लांट्स कंटेन न्यूमरस green structures called chloroplast in their cell. The chloroplasts are the green because of the presence of the green pigment called chlorophyll. It is chlorophyll that traps energy from sunlight. Plants also need water and
minerals to prepare the food. The roots of the plants contain root hairs, additives. The root hairs absorb the water and minerals from the soil. Water is available in the soil abundantly. Even in dry soil, it is found sand particles in the form of hygroscopic layer. Minerals are found in the form of solution in the soil. प्लांट्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के, जिसकी वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है. उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज़ होती है, केमिकल होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल वही चीज़ है जो कि एनर्जी को हासिल करता है सूरज की रोशनी से. यानी जो प्लांट्स में एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होती है वो क्लोरोफिल के थ्रू ही होती है. प्लांट्स में रूट्स होते हैं जो कि पानी को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, चाहे वो खुश्क मौसम ही क्यों ना हो. प्लांट्स में जो वाटर्स एंड मिनरल्स बैलेंस होते हैं वो होते हैं जाइलम के थ्रू. जाइलम एक ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं, यानी अंदर लेकर आते हैं अपनी सेल्स में, वहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं. वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही उनका फूड मॉलिक्यूल होता है, जो कि वो स्टोर हाउस में स्टोर करते हैं और एक प्रोडक्ट में चीज़ बनती है ऑक्सीजन, जो कि वो गिवन आउट करते हैं एनवायरनमेंट में. प्लांट्स जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है. यानी जब मैंने आपको प्रोसेस बताया किस तरह प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, इस अमल को फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं. और जो प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं. द सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई, बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रॉफ्स. देयर आर मेनी मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तमाम जानवर और ऐसे पौधे जिनमें ग्रीन हिस्सा नहीं होता, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो किसी ना किसी तरह से प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. जैसे कि अगर मैं लाइन की बात करूँ, लाइन ईट करता है डियर को यानी हिरन को, और हिरन ईट करती है ग्रास को यानी जो हमारी घास होती है उसको. तो किसी ना किसी तरह से लाइन का इंट्रैक्शन भी, यानी लाइन भी डिपेंड होता है प्लांट्स पर. Modes of heterotrophic nutrition in animals. Herbivore animals depend directly on plants for their nutrition. Carnivores depend on other animals and eat their meat, while omnivores feed on both plants as well as animals. Thus, when you eat meat, you are indirectly eating food preparing by plants. You know that green plants get energy to prepare food from the sun. Thus, the sun is ultimate source of energy for in the entire living world. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को पर डिपेंड करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर को खाते हैं. जैसे कि जो हमारे पास गोट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाती है. दूसरे टाइप है हमारे पास कार्निवोर्स. कार्निवोर्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं और सिर्फ मीट खाते हैं. वो अपनी न्यूट्रिशन सिर्फ मीट से पूरी करते हैं. थर्ड टाइप इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से अपनी ग़िज़ा को पूरी करते हैं, यानी अपनी तमाम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को भी ईट करते हैं. जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वो प्लांट्स से हमारे पास मिलती हैं, और जो हम मीट खाते हैं वो हमें जानवरों यानी एनिमल्स से मिलता है. सो अल्टीमेटली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी ओमनीवोर्स में ही आते हैं. जब हमारा इंट्रैक्शन प्लांट से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होता है, तो प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो सनलाइट से करते हैं. यानी जो हमारी पूरी दुनिया का जो एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट है.